महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे इन दिनों बहुत चर्चा में हैं, और हूँ भी क्यों ना। आखिर इतने सालों तक जिस जगह को और लोगों को हीन भावना से देखते रहे, आज उन्हीं के सामने नहीं आ पा रहे हैं। दरअसल 5 जून को राज ठाकरे महाराष्ट्र से अयोध्या श्री राम लला के दर्शन करने आने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनका उत्तर भारत में आने को लेकर विरोध होने लगा और इस झंडे की कमान किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने उठाए रखी। फिलहाल आज पुणे में अपनी एक रैली में राज ठाकरे ने अयोध्या न जाने का कारण बता ही दिया। राज ठाकरे ने अपनी रैली में कहा कि मैं उन चीजों को देख रहा था जिन पर अयोध्या यात्रा की घोषणा के बाद चर्चा हो रही थी। बाद में मुझे पता चला कि यह एक ट्रैप है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने आगे कहा कि अगर मैं वहां जाने पर अड़ा होता और अगर कुछ होता तो हमारे समर्थक इसमें शामिल हो जाते, उन पर मामला दर्ज हो सकता था। मुझे लगा कि यह एक ट्रैप है, मैं आलोचना स्वीकार करना पसंद करूंगा, लेकिन नहीं चाहता कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कानूनी पचड़ों में पड़े। इसके अलावा राज ठाकरे ने रैली में अपनी तबीयत का हवाला देते हुए अपनी समस्या लोगों को बताई और कहा कि वह पैर और कमर में दर्द से पीड़ित है और 1 जून को कूल्हे की हड्डी की उनकी सर्जरी होनी है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मैं लंबी यात्रा ना करूं, यह भी एक वजह है कि मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं। दरअसल राज ठाकरे का विरोध भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह लगातार कर रहे थे। ब्रजभूषण सिंह का कहना था कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारत में आना चाहते हैं तो पहले उत्तर भारतीयों के साथ जो पहले उन्होंने सुलूक किया है उसके लिए माफी मांगे, लोगों से माफी मांगे, संतों से माफी मांगे, तभी वे अयोध्या में घुसने देंगे। इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह ने 5 जून को राज ठाकरे के विरोध में 5,00,000 लोगों की भीड़ जुटाने का भी ऐलान कर दिया था। फिलहाल देखना होगा कि राज ठाकरे की ये राजनीतिक रणनीति फेल होने के बाद वे आगे क्या प्लान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।